हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आप सैमसंग अकाउंट बना सकते हैं। जब आप कभी भी सैमसंग मोबाइल का FRP बाईपास करते हैं तो किस तरीके से आपको सैमसंग अकाउंट डालना पड़ता है, तो उसको कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम सर्च करेंगे सैमसंग अकाउंट गूगल में, तो सिंपल से फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे तरफ स्लाइड करना है, क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। तो फाइनली जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, सारे टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो कर लेना, टिक मार्क कर लेना। तो मेरे से एक दो छूट गया, तो आप चाहें तो सबको टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी एक ईमेल आईडी को आपको डालना, जो आपने मेल पर अपना मेल आईडी क्रिएट कर रखा हो, जिसको वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ कोई सा भी। तो फिर फाइनली यहाँ पर ईमेल डाल दिया हमने, और इसके बाद यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड में कोई स्पेशल करेक्टर और कोई नाम भी ऐड हो, और साथ में नंबर। ठीक है, ध्यान रहे फ्रेंड, दो, जैसे कोई नंबर रहे तो दो होना चाहिए, यानी दो नंबर से ज़्यादा तीन नंबर भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मिक्स करके आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना होगा, तो यूज़र नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हमें टेक रिपेयर अपना, तो रॉन्ग बोल रहा है। एक बार मैं फिर से इसको कम्प्लीटली रिमूव करके पूरा नाम अच्छे से लिख देता हूँ। तो फाइनली नाम हुआ। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनल हो चुका है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड। और ध्यान रहे जो आपका ईमेल का पासवर्ड है उससे डिफरेंट कोई पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ईमेल के जगह पर सैमसंग अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपके जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक OTP आएगा, यानी कि वेरिफिकेशन कोड भेजा गया होगा। उस कोड को यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। तो हम अपना कोड यहाँ पर मोबाइल के अंदर देखेंगे और इसके अंदर यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं, जो कि 38 और 1286 हमारा था वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पर फाइनली हमारा सैमसंग अकाउंट डन हो चुका है। तो इस तरीके से आप सैमसंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और आपके जो सैमसंग का FRP बाईपास करने के दौरान ये पूछा जाएगा सैमसंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से आप उसको यूज कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।